दोस्तों, एक्सेल शीट की रिक्वायरमेंट आईटी सेक्टर्स या नॉन आईटी सेक्टर्स या जहां पे डाटा की कैलकुलेशन होती है वहां पर मल्टीपल शीट्स आती हैं और उसको कंपाइल करके आपको एक शीट पे डाटा या रिपोर्ट अपनी जनरेट करनी पड़ती है। उसी तरह की रिपोर्टिंग के लिए आज हमने एक कंपाइलर बनाने की कोशिश की है वीबीए के थ्रू, क्योंकि एक्सेल में एक रिकॉर्डेड वीबीए हम कर सकते हैं यानी मैक्रो बना सकते हैं, मगर अगर हम बात करें पर्टिकुलर शीट से डाटा हर बार सेग्रीगेट करके एक कंपाइलर शीट बनाने की, तो वो एक्सेल में पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम वीबीए का यूज़ करके एक कंपाइलर शीट बनाते हैं या एक बटन बनाते हैं जिससे कि बार बार रिपीटेड टास्क को हमें विद अ सेकेंड या विद ए मिनट में हमारा टास्क कंप्लीट हो जाए। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह का कंपाइलर हम बनाएंगे या किस तरह की शीटों में हम डील करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का एटीट्यूड एकेडमी के अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं तो रावेद्र आप सभी का स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं एक्सेल ट्रेनिंग विद वीबीए प्रोग्राम। मल्टीपल रेंज सेलेक्ट कैसे करते हैं, एंड मेथड का यूज कैसे करते हैं और उसके साथ एक कंपाइलर कैसे हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंडेक्स आज का हमारे पास क्या है। हम मल्टीपल रेंज सेलेक्ट करना, कॉपी पेस्ट और एंड मेथड का यूज करके मोस्ट प्रोबेबली, और क्रिएट ए कंपाइलर कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एंड मेथड समझा देता हूं। जैसे हम एक्सेल में यूज करते थे कंट्रोल अप की, कंट्रोल डाउन की, कंट्रोल लेफ्ट, कंट्रोल राइट की, उसी तरह से वीबीए में एंड मेथड होते हैं। तो एक्सेल डाउन की को हम एंड एक्सेल डाउन लिखते हैं, एक्सेल अप की को हम एंड एक्सेल अप लिखते हैं, कंट्रोल राइट की को हम एंड एक्सेल टू राइट लिखते हैं, कंट्रोल लेफ्ट की को एंड एक्सेल टू लेफ्ट लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए जब हम एक्सेल का यूज़ कर रहे हैं। तो मैं एक बार एक्सेल में भी आपको दिखा देता हूँ, एक्सेल ओपन करके, कि एक्सेल में कैसे ये होगा। तो विंडो की और आर प्रेस किया हमने, विंडो की और आर प्रेस करने के बाद आपका रन कमांड ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप एक्सेल ओपन कर लीजिए, ई एक्स ई एल एक्सेल, सिंपल लैंग्वेज में हम लिखते हैं, ठीक है। ये एक्सेल शीट आ गई। तो यहाँ पे जब हम कंट्रोल अप की प्रेस करते हैं और कंट्रोल डाउन की प्रेस करते हैं, कंट्रोल लेफ्ट, कंट्रोल राइट, तो ये हमारा शीट्स पे हमें मूव करा रहा है, ठीक है। इसी तरह से जब हम वीबीए की बात करेंगे तो वीबीए में क्या होगा, एंड एक्सेल डाउन, एंड एक्सेल अप, एंड एक्सेल टू राइट और एंड एक्सेल टू लेफ्ट का यूज होगा रेंज को, मल्टीपल रेंज को सेलेक्ट करने के लिए। तो अब कैसे कंपाइलर बनाना है और कैसे उसको एक्टिवेट करना है और कैसे हमें एक पूरा कंप्लीट कंपाइलर का यूज करके डाटा को सेग्रीगेट करना है, तो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है वैसे आपको समझाने के लिए। तो मेरे पास मैंने तीन शीट्स मैंने बनाई हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरी एक एक्सेल शीट है, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस शीट का नाम रीनेम कर रहा हूँ। तो एजेंट वन इस शीट का नाम रख रहा हूँ, एक और शीट बना रहा हूँ, इसका नाम मैं रख रहा हूँ एजेंट टू, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए पहले से ही एजेंट वन लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एजेंट शीट लेके चलूँगा। उसके बाद थर्ड शीट का नाम मैं रख रहा हूँ यहाँ पे कंपाइलर, ठीक है, इसका नाम मैंने लिख दिया कंपाइलर। तो दो शीट्स है मेरे पास, एजेंट वन और एजेंट टू, उन दोनों का डाटा मुझे कंपाइलर शीट पे मेरी चाहिए। तो एजेंट वन पे हम कुछ डाटा लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है सीरियल नंबर, यहाँ पे मैंने ले लिया है नेम और यहाँ पे मैंने ले लिया है क्लास, ठीक है। ये मेरा डाटा है, इसको मैंने ले लिया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 मैंने पेस्ट कर दिया, डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे नाम मेंशन कर दिए, जो भी नाम थे मेरे पास, ये मेरे हो गए नाम। उसके बाद मैंने इनकी क्लास डिफाइन कर दी, कौन कौन सी क्लास में ये स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिमिलर डाटा जो है वो मेरा है शीट एजेंट टू पे, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ, मैंने कहा यहाँ पे राहुल है, यहाँ पे सोहन है, यहाँ पे मोहन है, यहाँ पे रोहन भी है, यहाँ पे दीपक भी है, ठीक है। उसके बाद इनकी क्लास भी मैं थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ, कोई 11th क्लास में है, कोई 6th क्लास में है, कोई 8th क्लास में है, इस तरह से मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है, ताकि आपको
आसानी से इजीली डाटा को समझने में सहूलियत मिले। ठीक है, तो ये मैंने डाटा बना लिया। अब डाटा है मेरा दो शीट पे, शीट एजेंट वन पे है मेरे पास ये डाटा और शीट एजेंट टू पे जो है वो मेरे पास ये है, और यहाँ पे मुझे इनका कंपाइलर एक बटन बनाना है ताकि मैं क्लिक करूँ विद इन ए सेकेंड सारा डाटा कंपाइल होके वो मेरा कंपाइलर शीट पे आ जाए। तो अब हम कौन से कोड्स फॉलो करेंगे, हम कोड फॉलो करेंगे ये। तो शीट्स मैंने यहाँ पे लिखा एजेंट वन डॉट एक्टिवेट, एक्टिवेट कर लिया हमने शीट वन को। उसके बाद हमने शीट्स एजेंट्स वन डॉट रेंज ए टू क्यों लिया, अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि हमने ए टू क्यों लिया है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे जब एजेंट वन और एजेंट टू की बात हो रही है, अगर यहाँ पे सीरियल नंबर नेम क्लास लिखा हुआ है और जब मैं कंपाइलर शीट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर पहले से हेडिंग्स मेरी अवेलेबल हैं तो मुझे ए टू से डाटा को चूज करना है यहाँ पे, यानी मेरा ए टू से डाटा स्टार्ट होगा और इसको मुझे कॉपी करना है, देन यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद एजेंट टू पे ले लिया, फिर इसको यहाँ से कॉपी करना है, फिर यहाँ पे मुझे इसको पेस्ट करना है, यानी ए वन का कोई रोल नहीं है क्योंकि मेरे पास हेडिंग पहले से अवेलेबल है। ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। दूसरा क्या है, जब मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देन यहाँ से कॉपी करने के बाद जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो पहले से डाटा अवेलेबल होगा, मान लीजिए पांच डाटा तक हो गया है, तो मुझे एक यहाँ ब्लैंक सेल पे पहुँचना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम ऑफसेट का यूज़ करेंगे यहाँ पे VBA के थ्रू में। तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कोड। तो पहले शीट्स एजेंट वन डॉट एक्टिवेट, एक्टिवेट कर लिया हमने शीट वन को। ठीक है, उसके बाद एजेंट शीट में डॉट रेंज टू को सेलेक्ट किया। अब डाटा को सेलेक्ट करने के लिए एजेंट शीट डॉट वन में रेंज एक्टिव सेल, मतलब जो ए टू मैंने सेल एक्टिव किया था, यहाँ एक्टिव सेल की जगह आप ए टू भी लिख सकते हैं, मगर जब हमने पहले से एक्टिव कर लिया तो उसको एक्टिव सेल लिखेंगे हम। उसके बाद कोमा लगाएंगे, फिर सिलेक्शन डॉट एक्सेल डाउन, मैंने कहा था कि नीचे तक डाटा चाहिए जहाँ तक डाटा लिखा हुआ है, तो एक्सेल डाउन का यूज़ करेंगे, डॉट सेलेक्ट लगाएंगे। उसके बाद एजेंट्स डॉट रेंज सिलेक्शन, जो सेलेक्ट कर लिया है मैंने ऑटोमेटिकली, जो पहले लाइन में मैंने सेलेक्ट कर लिया डाटा को, उसको मैं सिलेक्शन ही रखूंगा, डॉट सिलेक्शन डॉट एक्सेल राइट, राइट साइड में मुझे जहाँ तक डाटा है वहाँ तक सेलेक्ट करना है। देन सिलेक्शन डॉट कॉपी, सिलेक्शन को कॉपी करेंगे। उसके बाद शीट्स कंपाइलर डॉट एक्टिवेट, शीट कंपाइलर को एक्टिवेट किया, शीट कंपाइलर की लास्ट रेंज पे गया मैं, और उसके बाद एक्सेल अप की प्रेस कर दी। एक्सेल अप की प्रेस करने से क्या होगा, वो मुझे वापस ऊपर ले जाएगा जहां पे लिखा हुआ है डाटा, मेरा टेक्स अवेलेबल है। उसके बाद मैंने एक सेल प्लस करना है उसमें, तो एक्टिव सेल जो भी एक्टिव किया था सेल, उसमें ऑफसेट का फॉर्मूला लगाया, रो एंड कॉलम्स, रो मैंने एक ऐड कर दी, कॉलम मुझे ऐड करना नहीं है इसलिए जीरो रखा है, डॉट सेलेक्ट। अब मेरे पास ब्लैंक सेल आ चुका है, तो अब मैंने क्या किया, एक्टिव सेल डॉट पेस्ट स्पेशल, जो भी कॉपी किया था डाटा वो मैं वहां पे पेस्ट कर रहा हूं। अब आप समझिएगा, मैं यहाँ पे आपको लाइव लगा के दिखा रहा हूँ कैसे आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ से कर लिया है कॉपी। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी और डायरेक्ट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको पेस्ट। देखिए अब आपको कैसे बनाना है, डेवलपर टैब अगर आपको ओपन करना नहीं आया, मेरी पिछली वीडियोज आप देख सकते हैं जिसमें मैंने डेवलपर टैब कैसे ओपन करना है उसको सिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्टिव एक्स कंट्रोल एक बटन ले लिया, यहाँ पे एक बटन चाहिए मुझे। ठीक है, इसका नाम मैं बाद में चेंज कर सकता हूँ, इस पर अभी डबल क्लिक कर लेते हैं और ये मैंने पूरा पेस्ट कर दिया। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ कैसे ये चलेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए आप F8 का यूज़ कर सकते हैं। तो F8 मैंने लिया, एजेंट वन डॉट एक्टिवेट, तो एजेंट शीट देखिए एक्टिवेट हो गई मेरी, यहाँ पे एजेंट शीट पे मुझे लेके आ गया है। अब मैंने कहा A2 पे जाना है मुझे, तो A2 पे लेके गया वो मुझे। उसके बाद एक्सेल डाउन की प्रेस कर रहे हैं, तो F8 वापस लाया तो सेलेक्ट कर लिया उसने 1 से लेके 5 तक जहाँ तक डाटा लिखा हुआ था। उसके बाद मैंने कहा इसको कि राइट साइड में सेलेक्ट करें, तो डाटा को राइट साइड में सेलेक्ट किया। उसके बाद सिलेक्शन डॉट कॉपी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो F8 में कॉपी कर लिया उसने। उसके बाद मुझे कहाँ पे लेके जाना है, इसे शीट कंपाइलर डॉट एक्टिवेट, शीट कंपाइलर पे लेके जाना है। तो देखिए अब ये आपको कंपाइलर शीट पे लेके आएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिसमैच हो रही है, मैं स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ। वहां पे हमने इसकी स्पेलिंग ये लिखी हुई थी, जो भी स्पेलिंग है वो आप करेक्ट कर ले। यहाँ पे जो शीट की मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस शीट की मेरी मिसमैच हो रही है, तो इसको कंपाइलर की स्पेलिंग जो ठीक नहीं है उसको हम ठीक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं वापस हमारे डिज़ाइन मोड पे ही। ठीक है, वापस चलते हैं।
यहाँ तक आ गए थे, कॉपी हो गया था, कंपाइलर शीट पे हमें लेके आना है उसे, तो वो कंपाइलर शीट पे लेके आया, लास्ट रेंज को सेलेक्ट किया उसने, लास्ट रेंज को फिर F8 किया, तो वो वापस मुझे पहले नंबर पे ले आया जहाँ पे टेक्स्ट लिखा होता, उसमें मुझे करना है एक प्लस, तो ऑफसेट लगाया मैंने तो एक प्लस कर दिया। यहाँ पे मुझे डाटा को क्या करना है, पेस्ट करना है, तो ये मेरा हो गया पेस्ट डाटा। अब मुझे शीट सेकंड पे भी ऐसे ही करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी सेम फॉर्मूला को यहाँ से यहाँ तक कॉपी करूँगा और वापस यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर दूंगा। बस अब चेंज क्या करना है, जहाँ पे भी एजेंट वन लिखा आ रहा था वहाँ पे क्या करना है मुझे, एजेंट टू रखना है। ये आप ध्यान रखेंगे, जहाँ पे भी एजेंट वन था वहाँ एजेंट टू से आप डाटा लेके आ रहे हैं, तो एजेंट टू आपको मेंशन रखना है यहाँ पे कि आपको एजेंट टू के साथ डील करनी है। ठीक है, हो गया। अब आप आगे चलते हैं, F8 वापस लेके चल लेते हैं हम। ठीक है, इस डाटा को मैं कंपाइलर शीट से रिमूव कर रहा हूँ अभी फिलहाल मैनुअली, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे भाई इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम वापस प्ले करके देख लेते हैं, यहाँ से चलते हैं F8 से। अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, लेके आ गया, यहाँ पे मुझे पेस्ट कर दिया, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अब शीट टू पे मेरा लेके आ रहा है। ठीक है, शीट टू पे से कॉपी किया, वापस आया, एक प्लस किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखिए अब ये हर बार जितना भी डाटा होगा वो मुझे ऐड करता चला जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे कितनी बार भी डाटा बढ़ा लीजिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक 6 नंबर और बढ़ा दिया, 7 नंबर और बढ़ा दिया। ठीक है, अजय नाम दे दिया, इसका नाम मैंने जैद दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी क्लास मैंने बढ़ा ली। ठीक है, ये बढ़ा लिए, दो डाटा मैंने बढ़ा लिया है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ अपनी कंपाइलर शीट पे, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से मैन्युअली, अभी डिलीट कर दिया। अब मैं जैसे ही इस बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये मेरा डाटा मुझे लेके आना चाहिए, तो वापस आ जाते हैं हम अपने जो भी हमने मार्क्स बनाए थे अपने यहाँ पे। ठीक है, इसको प्ले करके यहाँ से F5 से डायरेक्ट देख सकते हैं आप, तो ये डाटा मेरा लेके यहाँ पे कंपाइल करके देख रहा है। देखिए दो नाम ऐड कर दिए थे मैंने, तो दोनों नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे प्ले होके आ रहे हैं। अब जितनी बार भी आप किल करते चले जाएंगे वो आपको नीचे लेता जाएगा, क्योंकि डाटा तो कंपाइल होकर आता रहता है, आपने कोई डिलीट का फंक्शन अभी यूज़ नहीं किया, इसलिए यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन नहीं लगा रहा है। अगर आप इस डाटा को क्लियर कर देंगे यहाँ से, मान लीजिए ये डाटा मैंने क्लियर कर दिया, अब डाटा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, अब आप इस बटन पे वापस क्लिक करते हैं तो ये आपको डाटा देगा। तो इस मेथड का यूज करके आप मल्टीपल शीट्स पे जो डाटा है उसको एक जगह कंपाइल कर सकते हैं। आपको विद इन ए सेकेंड बस बटन पे क्लिक करना है और सारा डाटा आपका कंपाइल होके आपकी शीट कंपाइलर शीट पे आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इस कोड का लिंक देंगे आपको, आप लगाकर इसको इजीली चेक कर सकते हैं। तो बने रहें इसी तरह की और वीडियोस के को देखने के लिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।